हेलो स्टूडेंट्स, हम संप्रभुता चैप्टर पर कवर कर रहे थे, तो उसमें आज हम देखेंगे बहुलवाद का मतलब क्या है। इससे पहले हमने संप्रभुता के सिद्धांत देख लिए थे, ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत देखा था, उसकी आलोचना देखी थी, संप्रभुता के विविध रूप देखे, संप्रभुता के लक्षण देखे, संप्रभुता की हमने अर्थ और विशेषताएँ देखी थी। उसके बाद आज हम देखेंगे कि यहाँ बहुलवाद का क्या मतलब है। संप्रभुता की विवेचना करते हुए बोंडा, होब्स, ली, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों के द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया है। अद्वैतवादिता मतलब प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है अद्वैतवादिता। इसी पे बहुलवाद आगे बढ़ेगा। तो ये जो विचारक थे, जो हमने देखे, हमने अभी तक संप्रभुता की बात की, उसमें संप्रभुता को अद्वैतवादी बताया गया है। द्वैतवादी मतलब कि राज्य में एक ही संप्रभुता होती है, सारे व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं और ये सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। यानी यहाँ पर सर्वोच्च कौन बताया है? राज्य, राज्य को सर्वोच्च बताया है और एक ही सत्ता होती है सर्वोच्च, जो कि है राज्य, इसके अलावा और नहीं होती। इस धारणा के अनुसार राज्य की यह शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी और अविभाजनीय होती है और मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी मानव जीवन के जितने भी पहलू हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? राज्य, क्योंकि राज्य है संप्रभु और संप्रभु सिर्फ एक है। संप्रभुता की अद्वैतवादिता की इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। तो ये जो अद्वैतवादी धारणा है, मतलब कि एक ही संप्रभु है, कौन है? राज्य है। तो इसके विरुद्ध जिस विचारधारा, यानी इसके अपोजिट, इसको नकारने वाली जिस विचारधारा का जन्म हुआ उसे बहुलवाद कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है लेकिन राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयस्कर मानती है। वो ये नहीं कहती कि राज्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, बहुलवादी कहता है कि राज्य तो है, बना रहे, लेकिन राज्य की अकेले की संप्रभुता ना हो या नहीं होती, वो ये कहते हैं। उनके अनुसार, बहुलवादियों की बात कर रहे हैं हम, कि राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। यानी राज्य है वो संप्रभु नहीं है, निरंकुश नहीं है, अनलिमिटेड उसकी पावर्स नहीं है। समाज में विद्यमान अनेक अन्य समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। यानी मैंने बताया था ना, भी राजसत्ता अनलिमिटेड नहीं, पावर्स उसके पास नहीं है, बहुलवाद वाले यही कहते हैं। तो आपको माइंड में एक वर्ड याद रखना है, अद्वैतवाद। इसी पे ये पूरा रिवॉल्व करता है बहुलवाद की धारणा। अद्वैतवाद का मतलब पता होना चाहिए कि सिर्फ एक संप्रभु है। जो अभी तक हमने संप्रभुता की बात की, जिन थिंकर्स की बात की, वो एक संप्रभु को मानते हैं, वो है राज्य। राज्य सभी के ऊपर कंट्रोल रखता है। ये इसके अपोजिट बोलते हैं कि राज्य है उसकी शक्ति अनलिमिटेड नहीं है, उसको सीमित कौन करते हैं? जो राज्य में अनेक समुदायों का अस्तित्व है। ये भी मैं पहले बात कर चुकी हूँ, मानव जीवन अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों का निर्माण करता है, जैसे धार्मिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, जैसे डॉक्टर्स का अपने संगठन होते हैं, टीचर्स के अपने संगठन होते हैं, आर्थिक संगठन मौजूद होते हैं, परंपराओं के लिए भी कुछ समुदाय मौजूद होते हैं। तो ये सारे समुदाय हैं, ये राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की सदस्यता ही स्वीकार नहीं करता, वरन राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। हासियो ने लिखा है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी सत्ता का सिर्फ एक स्रोत राज्य नहीं है, ये विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइडेड है और इसका डिवीजन होना ही चाहिए। ठीक, बहुलवाद को समझने के लिए कुछ कथनों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे कि लिंडसे ने लिखा है, यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। यानी जहाँ पर एक संप्रभु की बात होती है उस सिद्धांत का आज अंत हो चुका है। बारकर का मत है, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना विफल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत विफल हो चुका है। लोस्की ने कहा है, समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। अब संघात्मक क्यों? संघात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बात की थी, ये सेंटर है, ये स्टेट है। सेंटर और स्टेट में पावर का जो डिवीज़न हो जाता है, मतलब पावर बांट जाती है, कुछ पावर सेंटर के पास, कुछ पावर स्टेट्स के पास भी होती हैं, तो ये संघात्मक
जो है राज्य होता है। गेटिल ने बहुलवाद की विस्तार से व्याख्या की है। उसके अनुसार बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक व प्राकृतिक मानते हैं। उनका विचार है कि वे सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसा कि राज्य। इन समुदायों का प्रादुर्भाव स्वयत्व एवं स्वभावतः होता है, वे राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते, ना ही वे अपने अस्तित्व के लिए उसकी इच्छा पर निर्भर होते हैं। यानी जो समुदाय है, मनुष्य राज्य का नागरिक तो है, लेकिन राज्य के नागरिक होने के साथ साथ वह अनेक समुदायों का निर्माण भी करता है, और वो समुदाय हैं वो राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करते ना, राज्य ने उनको बनाया है, उनको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है और राज्य पर डिपेंडेंट नहीं होते। राज्य की तरह वे भी अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि हैं। वे इस बात को भी नहीं मानते कि राज्य अपनी शक्ति के कारण कुछ सर्वोच्च अधिकार रख सकता है। वे उन सभी समुदायों के समान अधिकारों में विश्वास करते हैं जो अपने सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर उनके लिए महान कार्य करते हैं। अतः प्रभुता न केवल राज्य की धरोहर है अपितु सभी समुदाय उसका उपभोग करते हैं। राज्य अविभाज्य सर्वोच्च और असीम शक्ति संपन्न नहीं है। उसकी सर्वोच्च सत्ता का दावा आज भी जटिल दुनिया की वास्तविक बातों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है कि राज्य क्रक्स एक ही है कि इन्होंने राज्य की संप्रभुता को ख़त्म करने की बात कही है कि राज्य आज संप्रभु नहीं रहा, उसका सिद्धांत विफल हो चुका है, क्योंकि राज्य के साथ साथ अनेक समुदाय एग्जिस्ट करते हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है और जिनके पास भी अपने अपने क्षेत्रों में खूब पावर्स होती हैं और वे राज्य के समान ही अधिकार रखते हैं मनुष्यों। तो ये अब हम देखेंगे कि बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। साधारण भाषा में एक स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा ही बहुलवाद है, यानी एक के स्थान पर अनेक। इसी प्रकार राजनीतिक बहुलवाद वह मत और सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में एक संप्रभुता संपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। यानी वही बात है, एक संप्रभुता सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य उसके स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के ही समान अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जा सकता है। ये समुदाय राज्य के अधीन न होकर उसके समकक्ष होने चाहिए और इस प्रकार समाज का संगठन प्रभुता की दृष्टि से एकात्मक न होकर संघात्मक होना चाहिए। ये भी मैंने बता दिया संघात्मक क्यों, क्योंकि इसमें पावर का डिवीज़न हो जाता है, एक संप्रभु नहीं रहता, पावर है वो काफ़ी जगह बट जाती है। तो इसी विचारधारा जो हमने काफ़ी विचारधाराएँ देखी तो उनमें सब में क्या होता है, सिद्धांत होते हैं। तो इसी प्रकार बहुलवाद के भी सिद्धांत हैं। पहला इनका सिद्धांत है राज्य केवल एक समुदाय है। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यानी आदर्शवादी हैं वो राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन ये उनकी भांति राज्य को सर्वोपरि नहीं मानते। उनके अनुमान से तो राज्य की जो समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य है वो अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानव जीवन की आवश्यकताएँ बहुमुखी होती हैं और राज्य है वो मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी के कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी अस्तित्व उपयोगी है। राज्य का कार्य मुख्यतः जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है और बहुलवादियों के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, जिससे अन्य समुदाय स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का विकास कर सकें। इस प्रकार बहुलवादी इस बात का प्रतिपादन करता है कि अन्य समुदाय राज्य के ही समकक्ष हैं और राज्य के ही समान ये समुदाय भी अपने ही क्षेत्रों में संपूर्ण शक्तिशाली होने चाहिए। जैसे लॉस्की ने कहा है, समुदाय के अनेक प्रकारों में राज्य भी एक है और अन्य समुदाय की तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं है। मैटलैंड ने कहा है, राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक है। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने राज्य को सर्वोपरि न मानकर जो अन्य समुदाय मनुष्य बनाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उन्हीं के समान एक समुदाय माना है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से संबंधित है, क्योंकि यहाँ कानून बनाए जाते हैं, कानूनों का पालन करवाया जाता है, तो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से संबंधित एक समुदाय है और इसको अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए। दूसरा, बहुलवादी राज्य व समाज में अंतर करते हैं। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य व समाज को एक नहीं मानते, वे उन्हें विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार फासीवादी विचारकों का यह कथन गलत है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है और राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। बहुलवाद राज्य को अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बताता है।
राज्य समाज का एक ऐसा अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता। यानी इन्होंने समाज को बड़ा माना है कि समाज में सब कुछ आता है, व्यक्ति आ गए, उनके समुदाय आ गए, ये सब कुछ समाज में आता है। और क्योंकि राज्य भी एक सिर्फ समुदाय है और समाज में ही समुदाय आते हैं, तो यानी समुदाय बड़ा हुआ और राज्य सिर्फ उसका अंग मात्र हुआ। तीसरा सिद्धांत, बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी ऑस्टिन आदि के असीमित संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। ये असीमित संप्रभुता का खंडन करते हैं। वह आंतरिक व बाह्य दोनों ही क्षेत्र में संप्रभुता को सीमित मानते हैं। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति से और समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है, और बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्र के अधिकारों से सीमित है। ब्लंडशरी ने कहा है कि राज्य सर्वसत्तावान नहीं है, क्योंकि वह बाहरी क्षेत्र में अन्य राज्य के अधिकारों से सीमित है और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं अपनी प्रकृति से और अपने नागरिकों के अधिकारों से सीमित है। यानी नियंत्रित राजसत्ता है आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से, क्योंकि बाहर आप ऐसा काम नहीं कर सकते ना कि जो आपको दूसरे कंट्री अलाउ ना करें। आप ये थोड़ी है कि आपको अगर वॉर करनी है तो आप कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी ऐसे नियम और कानून है कि आपको बंद के रहना पड़ता है, और आंतरिक जगत में भी राज्य अनियंत्रित सत्ता का उपयोग करेगा तो लोग उसे हटा देंगे। यानी लोगों के और समुदायों के कारण उसको प्रतिबंधित रहना पड़ता है। चौथा, बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से उच्च है। जो कानून है वो क्या है? राज्य से उच्च है। बहुलवादी संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। डिग्विट ने कहा है कि विधि है वो राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र है, उससे श्रेष्ठ है और उससे पूर्वकालिक होती है। विधि के बिना सामाजिक एकता, संगठन या मनुष्य का एक दूसरे पर निर्भर रहना संभव नहीं है। राज्य का अस्तित्व एक निरी कल्पना मात्र है। विधि राज्य को सीमित करती है, राज्य विधि को सीमित नहीं करता। क्रैब ने भी इसी प्रकार के विचार दिए हैं। क्रैब विधि की ही संप्रभुता स्वीकार करता है जो राज्य से स्वतंत्र है और उच्च है। विधि ही राज्य को संगठित करती है, ना कि राज्य विधि को। यानी इन्होंने कहा कि कानून है, अब कानूनों के कारण व्यक्ति बंधे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कानून राज्य से ऊपर है। तो इसमें प्रमुख दो विचार कौन से हैं? डिग्विट व क्रैब, जिन्होंने इस प्रकार की बात की। बहुलवाद है वो विकेंद्रीकरण में बिलीव करता है। विकेंद्रीकरण मतलब पावर का डिवीज़न हो जाए। आदर्शवाद की भांति केंद्रित राज्य में विश्वास नहीं करते, वे विकेंद्रीकरण को राज्य की उपयोगिता का आधार मानते हैं। बहुलवाद के अनुसार स्थानीय समस्याएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन स्थानीय समस्याओं का समाधान शक्ति के केंद्रीकरण से नहीं किया जा सकता। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि अपनी केंद्रिक सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेंद्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे। यानी क्या कहते हैं कि राज्य है वो एकमात्र संप्रभु ना बना रहे, स्थानीय लोगों की जो छोटे एरियाज़ की समस्याएं हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो वहाँ के समुदाय ही उस समस्या को सोल्व करें। ऐसे करके पावर का डिवीज़न हो, केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिले। अगला, बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुलवादी कहते हैं कि राज्य को ख़त्म कर दिया जाए। वो सिर्फ ये कहते हैं कि राज्य की सत्ता है वो सीमित है, राज्य का अस्तित्व बना रहे, क्योंकि राज्य भी अन्य समुदाय की भांति एक समुदाय है जो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो वे राज्य को समूल रूप से नष्ट करने के पक्ष में नहीं हैं। राज्य को अंत करने के स्थान पर वे उसकी शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। उनके अनुसार राज्य जो संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत है, ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। एक बहुलवादी समाज में राज्य का स्थान वैसा ही होगा जैसा कि अन्य संघ हैं, अन्य संस्थाएं हैं वैसा। वे अन्य संघों की बजाय राज्य को प्राथमिकता देने को तैयार हैं, लेकिन राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाएगा, किंतु वे राज्य को उस उग्र और निरंकुश रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है जिसका प्रतिपादन एकत्ववादी विचारकों के द्वारा किया गया है। सिंपल सा मतलब है, राज्य को वो जीवित रखना चाहते हैं, उसके अस्तित्व को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि राज्य भी एक संघ है, उनकी नज़र में एक समुदाय है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और वे राज्य को थोड़ा ऊपर स्थान देने को भी तैयार हैं ताकि जो दूसरे संघ हैं उनके पारस्परिक विवादों को वो सुलझा सके, उनके बीच में मध्यस्थ का काम कर सके। इसलिए राज्य उन संघों से थोड़ा ऊपर भी देने को तैयार है, लेकिन वो उसकी जो अनियंत्रित सत्ता है उसमें बिलीव नहीं करते कि वो अकेला ही संप्रभु है, उसकी शक्ति अनियंत्रित है, इसमें वो बिलीव नहीं करते। बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है।
बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का विरोधी नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली का प्रयोग नहीं करता। आरंभ से लेकर अंत तक उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान में है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है। तो वो जनतंत्रात्मक विचारधारा के समर्थन है करते हैं। आठ जो लास्ट है इनका सिद्धांत, बहुलवादी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, बहुलवादी विचारक JDH कोल प्रजातंत्र में, कौन JDH कोल प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विशेष समर्थक है। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अनुचित और दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर चुने गए व्यक्ति वास्तविक रूप में उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जो करंट अपना सिचुएशन है कि एक एरिया से जैसे 10 लाख की पॉपुलेशन है उससे एक प्रतिनिधि चुन के जाता है, उस जैसे एक एरिया है वहाँ 50 लाख की पॉपुलेशन है तो उसको 10 लाख की 5 में विभागों में विभाजित कर दिया, यानी एक एरिया की पॉपुलेशन 10, इस एरिया की 10, 10, 10, 10 ऐसे करके 50 लाख की जनसंख्या हो गई, तो यहाँ से 5 प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक प्रतिनिधि जा रहा है। तो इनका कहना है कि जो एरिया वाइज प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो ढंग से उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि एक एरिया में एक जैसे व्यक्ति रहें ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई कॉलेज लेक्चरर है, कोई टीचर है, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, कोई अधिकारी है, तो ये सब अलग अलग व्यक्ति हैं। इन सब की जो इच्छाएं हैं वो एक नहीं है, हर व्यक्ति अपनी अलग इच्छाएं रखता है, तो इसलिए ये जो प्रतिनिधि है ये इन सब का प्रतिनिधित्व ढंग से नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए जिसका आधार व्यवसाय हो। ठीक है, जैसे एक कृषक है उसके हितों का प्रतिनिधित्व है, यहाँ से जो प्रतिनिधि चुन के गया है, मान लो इस एरिया पे, इस एरिया में कृषक रहता है और यहाँ से जो प्रतिनिधि चुन के गया है वो एक वकील है, तो वकील कृषक के हितों को अच्छे से समझ सकता है या फिर दूसरा किसान? ऑफकोर्स दूसरा किसान उसके हितों को अच्छे से समझ सकता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो खुद का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, समान व्यवसाय वाले लोग हैं, वो अपने आपस के लोगों की समस्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं और उसका प्रतिनिधित्व आगे अच्छे से कर सकते हैं। तो व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसे कृषकों में से एक कृषक चुन के चला गया, कॉलेज लेक्चरर्स में से एक कॉलेज लेक्चरर चुन के चला गया, टीचर्स में से एक टीचर को बना दिया, तो ऐसे इस आधार पर मत बांटो, इसको व्यवसाय के आधार पर इस एरिया को बांटो। तो ये व्यावसायिक प्रतिनिधित्व पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिवादी विचारधारा से भी प्रभावित हैं और सामान्य इच्छा के सिद्धांत में बिलीव नहीं करते। तो ये इसके प्रमुख सिद्धांत थे। आगे हम देखेंगे इसकी आलोचना।